الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه. صدق الله العظيم. دعواتي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. प्रोग्राम जो मैं दिल की अथा से मैं आप में से हर एक को आमदेद कहता हूँ उम्मीद करता हूँ आप अब तमाम अबाब बफीत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह इज़्ज़त आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह की खैर बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए जो ज़िंदगी गुजर चुकी है उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रबाल मुआफ़ फरमाए और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह रबाल हर तरह की बीमारियों परेशानियों बेसकूनीों से बचाते हुए खैरवाफियत सेहत तंदरुस्ती, सलामती ईमान और इंसानियत के लिए मनफियत वाला बनाए नज़िक राम प्रोग्राम जस्तजू के अंदर हर हफ्ते की शाम हम बात कर रहे हैं नबी करीम सलील वसम की सीरत तय्यबा के हवाले से इस सफ़र का आगाज़ हमने किया था नबी करीम अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कबल के हालात शहर मक्का के क्या हालात थे कबाल अरब किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे दुनिया के मुख्तलिफ के अंदर इंसानियत की हालत ज़ार क्या थी उन तमाम तफसीलात को आपके सामने रखा फिर उसके बाद नबी करीम सिलादत बसत पे होने वाले मोयज़ात का ूर और फिर नबी करीम स बचपन लड़कपन जवानी और आपके लान नबूवत के हालात और वाक़ात को भी बयान किया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब एलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त बहुत सारे लोग कि जो कल तलक आपको सादे को अमीन कहा करते थे आपके आने पर अदब के साथ खड़े हो जाया करते थे नबी करीम वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखाया करते थे आपको सदक व अमीन कहा करते थे और आपसे बड़ी महब्बत बड़े अदब बड़े एहतराम का मामला किया करते थे लेकिन नाका करीम अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक के चालीसवें बरस फ़हरान की चोटी पर खड़े होके जब इरसाद फरमाया कि या कूलू ला क्या लोगो ऐलान करो अल्ला कि अल्लाह के सिवा इबादत के लाग कोई नहीं है वही ला शरीक है उसी के सामने सजदा रेज़ होना है उसी के सामने दस्ते दुआ दराज करने हैं और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है तो तुम कामयाब हो जाओगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान फरमाना था कि वो लोग जो कल तलक आपसे मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे आज आपसे नफरत करने लगे आपके रास्ते के अंदर कांटे बिछाने लगे आपको तरह से अजियतें पहुँचाने लगे उस दौर के अंदर जिस जिसने नबी करीम अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा मक्का मुकरमा के अंदर उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया कि जनाब सैद ना हबशी रज़ी अल्लाह जैसे वो सहाब कराम के जो माली तौर पर भी कमज़ोर थे और मुख्तलि लोगों के यहाँ ग़लाम की ज़िंदगी गुजार रहे थे ग़लमाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनको मक्का के चौराहों के अंदर घसीटा जाता उन्हें उसपती हुई रेत के ऊपर लिटा उनके बदन के ऊपर गर्म पत्थर रखे जाते और उनको मुख्तलिफ तरह से कोप किया जाता था कभी लालच दी जाती कभी सताया जाता कभी मारा पीटा जाता मुख्तलिफ तरह से अजियतें पहुँचाई जाती और कहा जाता कि मोहम्मद सल असलम के साथ अपने ताल्लुक़ को तोड़ डालो मगर वह थे कि हर म हर सितम झेलते चले गए मगर अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से जोड़े हुए उस रिश्ते पे कभी कोई आंच नहीं आने दी इन तमाम तर आलाम के अंदर जब इजाफ़ा होता गया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम की हिदायत पे कुछ सहाबा कराम हबशा की तरफ हज़त करके चले गए कुछ अरसा वो वहाँ पर रहे उन्हें खबर हुई कि अब यहाँ पर मक्के हालात बेहतर हैं वापस आए तो पता चला कि यहाँ के हालात तो पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और फिर कुछ अर्सा के बाद नबी करीम वसल्लम की हिदायत पे अब ये सोबे कराम मदी तैयबा की तरफ हजरत करके चले जाते वो के जो पहले यथरब और बीमारियों का घर खिलाता था फिर जब ख़ुद आका करीम अलैहि वसल्लम के कुम में मेमनत उस जमीन को नसीब हुए तो अब वही ज़मीन मदीना तयबा ताहरा मतहरा कहलाने लगी नबी करीम सब तक यहाँ पर मक् मुकरमा के अंदर मौजूद थे तो यहाँ पर यह मशरक़ नबी करीम अलैहि वसल्लम को सताया करते आपको अजियत पहुंचाते, मगर जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर आपने एक नई रियासत की बुनियाद रखी और इस रियासत मदीना के लिए नबी करीम वसल्लम ने वहाँ पर जितने भी मुख्तलिफ कबाइल जो मौजूद थे उनको जमा किया और मख्तलि मजाहब के लोगों के साथ मुख्तलि क़बाइल के लोगों के साथ आपने एक मिसाक कायम फ़रमाया जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने यह अहद किया उसकी मुख्तलिफ शिक्हें थी और उसके अंदर ये भी शामिल था कि हर कोई अपनी अपनी इबादत गाहों के अंदर अपने मजहबी मामल के अंदर आज़ाद होगा और किसी को भी अपना दीन छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जो अपनी इबादत गाह के अंदर मौजूद है किसी भी अंदाज़ से इबादत करना चाहता है उसको मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी यूँ नबी करीम सल्ला वसम ने सब लिए एक अमन आशती सुलह का पैगाम दिया और सब के लिए आपने अपनी रहमत के दरवाज़े खोले रखे मगर वहाँ पर मौजूद यहूदी कबाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नखुश थे और वो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ अजीय पहुँचाया करते एक और गिरोह भी जिसको तकलीफ़ थी नबी करीम सी आमद से मगर वह छुप कर मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ नबी करीम वसल्लम के लिए मसायल पैदा करने की कोशिश करते हैं। मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आते और ज़्यादा खुल के वह नबी करीम अलैहि वसल्लम या सहाब क़िराम कल रद्वानल् तम अजमायन को सताने की जसारत करते वह मुनाफ़ी थे जिनकी सरदार ई अब्दुल्ल् बिन अबैई को हासिल थी और वो उसकी क़्यादत के अंदर अब्दुल्ला बिन अबई चूंकि यहाँ पे इसे यसरफ के अंदर सरदार बनाया जाने लगा था और बिल्कुल उसका ताज तैयार हो चुका था नबी करीम अलैहि वसल्लम की आमद से उसकी बादशाहत का खाब चकनाचूर हुआ तो अब वो नबी करीम पे कमर कमरबस्ता हो गया बज़ाहिर वबी करीम वसल्लम पे ईमान ले आया मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ों के अंदर शरीक होता और दीगर उसके साथ ही वो भी साथ मौजूद होते लेकिन अंदरून खाना वो कोई मौका हाथ से न जाने देते थे जिसमें नबी करीम सल्ला वसम ये आपके सोहाा के लिए कोई परेशानी का समा होता लेकिन ये छुप के डर के अंदरून खाना ये अमल कर रहे थे दूसरी तरफ़ यहूदी वख्तलिफ़रीक़ों के साथ खुल खुला के नबी करीम के खिलाफ़ साजिशों के अंदर अमल थे और यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा कर लिया और उसके लिए भी मख्त तरह की प्लानिंग की मगर अल्लाह रबुस्त ने अपने हबीब करीम सला वसलम की हिफाज़त फरमाई उनकी इन साजिशों के अंदर इजाफ़ा होता चला गया हती के पाँच हिजरी यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए पाँच साल बीत गए थे पाँचवें साल हिजरत के उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को चूँकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा साजिशें कर रहे थे नबी करीम अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा करामजमा को मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियत पहुँचा रहे थे और यहाँ पर रहते हुए ये मशकी मक्का की सपोर्ट करते और मुख्तलि तरीक़ों से उन्हें मौक़े फ़राम करते कि वो यहाँ पर आकर सहाबा क्राम को सताने के मख्तल हरबे इस्तेमाल करें तो इन्हें यहाँ से मदीन तयबा से जिलावतन कर दिया गया था इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था तो अब इन्होंने वहाँ पर जाकर खैबर के अंदर वहाँ पर अपना कयाम कर लिया था और इन्होंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ायल को जमा करके अरब के मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ाइल को इसी तरह से मशरकिन को उधर अबू सफ़ियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे ये भी साथ मिल के एक आलमी जो लश्कर था उसको एक तरह से इन्होंने तैयार किया उस वक़्त के जितने मुख्तलिफ़ायल कौमें थी उनको जमा करके एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मदीन तय्यबा पे हमला आवर हुए यही वो मौका था कि जब हज़रत सलमान फारसी अन्हु की मुशावरत से नबी करीम सदी तैया के इर्द गिर्द खदक खोदने का हुक्म दिया खुदाका करीम सल्सम बनफ़ नफीस उसके अंदर शरीक थे और सुहाब कराम भूख की वजह से इंतहाई मुश्किल के शिकार थे उनके पास खाने को दो वक्त की रोटी मौजूद नहीं थी मगर उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे वो खंदक खोदने के अंदर मसरूफ़ थे और ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी आलम के अंदर खंदक खोदने के अंदर बनफ़ नफीस मसरूफ़ अमल रहे ये सिलसिला जारी रहा ताकि जब वो लोग आए उन्होंने खंदक देखी उसको अबूर करने की कोशिश करने लगे मगर न कर सके तो उन्होंने इर्द गिर्द पड़ाव डाल लिया और मुख्त तरह की कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से इस खंदक को पार किया जाए मगर वो नहीं कर सके और बिल आखिर अल्लाह नबुलज़त ने ग़ैब से अपने हबीब करीम अलैहि वसल्लम और साहबा क़िराम रद्वानल् तिम अद अज़म़ाइन की मदद फ़रमाई और इस तरह की हवा आंधी और ऐसे मामलत चले कि वो लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए उनके अंदर ही आपस में एक दूसरे के लिए नफरतें बदगुमानियाँ पैदा हो गई और वो बिल्कुल वहाँ से एक तरह से शिक्ष खाकर भागने पर मजबूर हो गए और अल्लाह रबत ने अपने हबीब करीम सल्ला और सहाब करी की मदद और नुसरत फरमाई उससे अगले साल अब नबी करीम ने वहां से जब आप वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने ये फरमाया कि अब तो इन्होंने ये कर लिया है जितना कुछ इन्होंने करना था अब ये हे हम हमला आवर नहीं होंगे अब हम इनकी तरफ खुद चढ़ाई करेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस म देने तैयबा तशरीफ़ ले आते हैं छह हिजरी के अंदर नबी करीम सल्ला वसलम ख्वाब देखते हैं कि आप सोबा कराम रदवा तजमान के साथ मक् मुकरमा की तरफ़ जाते हैं वहाँ पर उम्र अदा फ़रमाते हैं उसके बाद हलक होता है और जुमला मनासिक्रा अदा किए जाते हैं तो नबी करीम सल वस ने कराम रद्वानल्ह ताल मजमायीन को ये ख़ब बताया वे ख़ुश हो गए नक़सल्ल रसूलियाल्ला रबुस्त ने इसी वाक़ की तरफ इस मुबारक के अंदर इशारा किया है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ख़्वाब का फ़रमाया फ़रमायाब कराम खुश हुए कि इतने बरस बीत चुके हमें हरम की ज़्यारत किए हुए और उम्र की सादत हासिल किए हुए तो नबी करीम अलैहि वसल्लम के ईमा पे तो कराम रद्वानल तैन मजमाइन तैयार हुए और सोयरम रवाना हो जाते हैं खुदैबिया के मकाम जब तो पर जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया और अब नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास वहाँ से मुख्तलिफ सफ़ीर आ रहे हैं मशकिन मक्का की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सूरत नहीं है कि आपको हम उम्र करने दें इस साल आपके उम्रा करने की कोई भी सूरत मुमकिन नहीं है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से हज़र स्मान गनी रज़ी तनों को उनके साथ बातचीत करने के लिए भेजा और उन्होंने वहाँ पर हज़रत स्मान गनी रज़ी तनों को रोक लिया काफ़ी देर आप वहाँ पर रुके रहे तो यहाँ पर पीछे बात यह फैली कि हज़रत स्स्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम को शहीद कर दिया गया तो नबी करीम सल्ला वल् ने सहा कराम रद्वानल् तजमाइन से बैत ली और सहबा कराम ने नबी करीम सल्ला वसलम के दस्ते अकदस पर इस बात पर बैत ली कि आप जो भी हुक्म देंगे हम वो करेंगे चाहे उसके लिए हमें अपनी जानबर्बान करनी पड़े तो इस जज्बे का जो सहाबा कर राम रद्वानल्लाजमाइन ने वहाँ पर इजहार किया और फिर उसके बाद जब मुहदा हुआ कि जिसके अंदर बाहिर मुसलमानों की शिकस्त भी थी मुसलमानों के लिए उसके अंदर एक शिक्स्त के वाजे आसार नजर आ रहे थे उसके बावजूद नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उस माहे को कबूल फ़रमाया तो अब क़िराम कराम रद्वानल तजमाइन उस पर बड़े रंजीदा थे लेकिन जब नबी करीम वसल्लम ने हुक्म दे दिया तो वो भी अपने अहराम उतारने पे मजबूर थे उन्होंने अपने अहराम उतार दिए यही वो मंजर था यही वो मौका था कि जब वहाँ से कुछ सफी आए और उन्होंने यहाँ पे आके ये मंज़र देखा कि नबी करीम अलैहि वसल्लम के शाब कराम किस तरह से हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं कि आका करीम अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर आपके एक इशारे अबरूप वो जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने ये हालात जाके वहाँ पर बताए थे लेकिन चूँकि ज़ाहिर एक उम्रा की तैयारी करके यहाँ से निकले थे और हजरत उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तु खास पर हुजूर की ख़िदमत में हाजिर हुआ रसोल्ला सल्ला वसलम क्या आप के नबी नहीं हैं आपने फरमायाल्ला के नबी हूँ फ़रमाया क्या हम दी हक़ पर नहीं हैं फ़रमाया बिल्कुल दीन हक़ पर हैं और इस तरह की वो मुख्तलिफ़ सवाल करते चले गए और बाद में सारी ज़िंदगी उमर फारूक ताला तन को इस बात का एहसास रहा कि मुझे ऐसी बातें उस मौके पे नहीं करनी चाहिए थी हज़रत बो बकर सदीक रज़ील्ला ने फरमाया कि उमर खामोश रहो। जो हुजूर फरमा रहे हैं उस पर आप अमल करो उसी के अंदर बेहतरी है तो इस मौके के ऊपर जब नबी करीम सल्ला वसम ने अपना अहराम उतारा सहाब कराम ने भी अपना अहराम उतार दिया और अब ये रंजीदा तो वहाँ से वापस लौट रहे थे तो अल्लाह रबुज़त ने उसी वापसी पर एक तरफ तो इन्होंने वो जो बैत रजवान इसको कहा जाता है चूँकि इन्होंने अपनी कुर्बान करने के हवाले से अहद किया था हज़ूर के साथ तो अल्लाह रबालत ने उन्हें अपनी रजा का मुजदा सुनाया खुशखबरी सुनाई कि जो अपनी जानों की भी परवाह नहीं कर रहे मेरे आका मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे अबरूप पे वो अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं तो एक तरफ तो उन्हें अपनी रज़ा की खुशखबरी सुनाई और दूसरी तरफ फिर चूँकि ये उम्र के लिए आए थे लेकिन वापस जा रहे थे इस माहे पे दस्तखत करके नबी करीम सल्लम के अब ये यहाँ से वापस जा रहे थे तो रंजीदा भी थे अल्लाह इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर आए थे मुबारका फरमाई सूरह फतह का नज़ुल फरमाया और उसके अंदर साथ ही इरशाद फरमाया कि कसीरा अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बहुत ज़्यादा मग़ानिम का वादा फरमाता है और उसमें से सबसे पहले तो ये फ़तह है कि जो अल्लाह रब्बुल रबुज़त ने तुम्हें अतः फरमाई है अगर जब बाहर इसके अंदर तुम्हें शकिस्त नज़र आ रही है मगर तो इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल रबुज़त ने तुम्हारे लिए फ़तः और मग़ानिम और गनीमतों के दरवाजे खोल दिए हैं और इसी के सबब तुम्हारे लिए अब मुख्तलिफ दरवाजे खुलते चले जाएँगे यहाँ पर भी ये बात भी याद रहे कि देखिए ये बज़ाहिर सुलह हुदैबिया शिकस्त भी थी इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए बड़ी परेशानी का समा भी था मगर उसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बाद के अंदर कामयाबी के दरवाजे खोले हमारी भी ज़िंदगी के अंदर बसाओत ऐसे मामल होते हैं कि जिसके अंदर बज़ाहिर परेशानी है तकलीफ़ है बीमारी है मसायब हैं आलाम हैं मगर उसके ऊपर सब्र इस्तमत से इंसान कायम व दायम रहे और अपने रब की तरफ रजू रखे तो अल्लाह रबुल्ज़त फरमाता है कि हो सकता है जिस चीज़ को तुम शदीद नापसंद करते हो वह अ अल्लाह रब्बुल रबुज़त ने उसी के अंदर तुम्हारे लिए बेहतरी रखी हो तो बेहतर क्या है कि इंसान अपने रब की तरफ रजू करता रहे और उससे यह अर्ज़ करता रहे कि बारी ताल तुम मेरे लिए मैं अपनी कमज़ोरीों को देखते हुए तुझसे आसानी का तलब हूँ तुझसे खैर मांगती हूँ तो उसे अपने लिए करम का मुतालबा करता हूँ अलमीन तो मेरे ऊपर करम कर दे मेरी इन तकालीफ़ परेशानियों को ख़त्म कर दे लेकिन मेरे रब मुझे तेरी ज़ात पर यकीन है तूने तो मुझे जिस भी हाल के अंदर रखा हुआ है इसके अंदर मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी है तो आप अपने रब की जात पर यकीन भी रखें अपने लिए दुआ भी करते रहें तो आपको उस परेशानी के अंदर भी एक सुकून एक इतमान सा हासिल हो जाएगा और यकीन फिर अल्लाह रब्जी आपके लिए रास्ते भी निकालता चला जाता है तो अब नबी करीम सल्ला वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने इस सुलह के बाद कि ये वो आपकी मुखालफत में जो लोग कमर बस्ता थे और जो बहुत बढ़ चढ़ के मुखालफत कर रहे थे उनमें एक गिरोह से तो आपका सुलह का, का माह हो गया जो कि मुश्किन मक्का थे उनके साथ सुलह का माह हो गया जिसको मैंने बड़ी तफस के साथ पहले बयान कर दिया है कि ये इस माहे की क्या क्या शराब थी और फिर नबी करीम सल्ला वसम के सुबा कराम ने उसके हवाले से क्या कुछ अर्ज़ किया इसको हम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर तफसीला बयान कर चुके हैं अख्तसारन ये कि नबी करीम सल्ला वसल् ने उनके साथ कर लिया था अब उनकी तरफ़ से ख़तरा वक्ती तौर के ऊपर टल चुका था अब यहाँ पर ये जो यहूदी कबाल जो नबी करीम सल्ला वसलम को मख्तल तरह से अज़ीयतें पहुँचा रहे थे तो नबी करीम सलील वसलम ने उनकी तरफ़ जाने का इरादा फ़रमाया क्योंकि ये इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था ये तकरीबन मदी तय्यबा से दो सौ किलोमीटर दूर तकरीबन वहाँ पर खैबर के मकाम के ऊपर जाके वहाँ पर ये लोग आबाद थे और वहाँ से भी ये तरह से नबी करीम अलैहि वसम के लिए ये मसाइल कम कर रहे थे पिछले बरस इन्होंने इतने बड़े लश्कर को जमा कर लिया था और मदीन तैयबा पे चढ़ाई के लिए आगे थे तो अब नबी करीम सलील्ला वल्म ने इनके इस फितने के सर को भी इरादा फरमाया और सबा के को खैबर की तरफ़ रवाना होने का हुक्म दिया और उसके लिए दो नई चीज़ें हुई पहली चीज़ नबी करीम सल्ला वसम ने यह फरमाया कि इस गजबा के अंदर सिर्फ वही लोग शरीक होंगे कि जो हदैैबिया के मकाम पर मौजूद थे जिनके दिलों के अंदर फ़त्त जज्बा जहाद है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा फरमा दिया था ना कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए गनीमतों के दरवाजे खोलेगा तो बहुत सारे वो मुनाफ़ी उनके दिलों के अंदर भी अब फूटने लगे थे कि जी अब यहाँ पे ये यह जाएंगे तो वहाँ से गनीमत मिलेगी माल गनीमत मिलेगा तो हमें भी उसमें से अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा तो हम साथ चलें लेकिन अब यह करीम सल वसम ने जाने से मना फ़रमा दिया और फरमाया वही लोग इसमें शरीक होंगे जो हदैैबिया के मकाम पर अपने जानों की परवाह किए बगैर अहद कर रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी रज़ा का मुजदा सुना दिया था दूसरा खास तौर पर यह वो पहला मौका था कि जब अलम तैयार किए गए यानी पहले भी वो कुछ झंडियाँ सी या कुछ निशानियाँ होती थी लेकिन बाकायदा अलम मौजूद नहीं थे तो इस मौका पर तीन अलम तैयार किए गए एक अलम हज़रत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला तहु को दिया गया और उनके हवाले किया गया दूसरा अलम हज़रत खबाब बिन मुंसिर तआला तालू के हवाले किया गया और तीसरा ख़ास जो अलम तैयार किया गया उसका फ्रेरा हज़रत आयशा सदीका देखा रज़ी अल्लाह तह तयबा ताहरा आपकी चादर अथर से तैयार किया गया था और ये ख़ास नबी करीम सल्ला ने जनाब सैदा अली उमरत रजी अल्ला को अता फ़रमाया था तो अब यूँ ये सहाबा कर नबी करीम सल्ला वसम की क्यादत में ख़ैबर की तरफ़ रवाना है जब वहाँ पर पहुँचे तो खैबर यह अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ही कला है तो वहाँ पर मुख्तलिफ क़ले मौजूद थे कि जिनके अंदर वो यहूद मौजूद थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए ये मुख्तलिफ मख्तलिफ़ वहाँ पर कायम कर रखे थे और उन्हीं में से जो सबसे मज़बूत क़िला था वो किला कमूस था तो वहाँ पर पहुँच के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस क़िले का गहराव किया और कई दिन बीत गए उस क़िले की कामयाबी को हासिल करने के लिए उस उनको वहाँ पर शकस देने के लिए मुख्तलिफ कोशें की गई मगर कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी घराव किए हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे और किसी किस्म के कामयाबी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे तमाम सहाबिक राम रजवानल तजमाइन मौजूद थे अपनी कोशिश भी कर रहे थे तो फिर एक रात नबी करीम सल्लाम नेशात फरमाया किये सहाबा कल मैं येम खास तौर पर उस शख्स को अता फरमाऊँगा कि जिसके हाथों अल्लाह रब फ़ते अता फरमाएगा और ख़ास बात फिर ये है कि वो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करने वाले तो अब साहबा कराम रद्वानल् तजमाइन ये बहुत बड़ी बशारत थी एक तो फ़तः की बशारत और फिर उससे आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्ला वसलम की ऱा का खसूसी मजदा और बशारत मिल रही थी तो सभी की ये उम्मीद थी तो अल्लाह करे कि ये सदादत हमारे हिस्से में आए लेकिन अगले दिन नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमायान अली अली रज़ी रज़ल तह कहाँ हैं तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आशोब च आँखों की बीमारी लगी है इसकी वजह से वो आराम कर रहे हैं तो हुज़ूर ने फरमाया उन्हें बुला लाइए तो नबी करीम अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब सैयद अली अल रज़ी अल्लाह रज़ील् तै हाज़िर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपकी आंखों के अंदर लगाया आपको अक्सर ये मसला रहता था आशोब चश्म का कुछ अरसे के बाद ये बीमारी ये परेशानी हो जाती लेकिन जब आपने अपना वो मुबारक दस्ते लाब दहन अपने दस्ते मुबारक से उनकी आँखों के अंदर लगाया तो गोया बीमारी का कोई असर ही मौजूद ना था और फिर उसके बाद भी ज़िंदगी के अंदर आपको ये बीमारी दोबारा लाक नहीं हुई आका क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लाब दहन की बरकत से अल्लाह रबु आज ने ऐसी शफा अता फ़रमाई कि उसके बाद ये बीमारी पलट के ना आई अब अगली सुबह जब मुकाबले के लिए सामने सफ़े हो गई और उधर से कला से बाहर निकला मरहब मरहब एक बहुत बड़ा ताकतवर नौजवान और एक बहुत ही बहादुर किस्म का एक सिपाही था और उसकी ताकत हज़ार नौजवानों के बराबर समझी जाती थी कि अगर मैदान में एक तरफ हज़ार नौजवान लड़ाई झगड़ा करने वाले जंगजू मौजूद हों और एक तरफ़ मरहब हो तो ये उन सब के लिए काफ़ी है तो ये मरहब अब मैदान के अंदर आता है और उसको इस जंग से पहले जब नबी करीमल वल्ल ने हज़रत हज़रतलीस रजील्ला को ये फ़रमाया तो हज़रत अली ने हज़ूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ल्ला सल सल्लाम क्या मैं उनसे उस वक्त तक याद करूँ कि जब तक वो मोमिन ना हो जाए जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें तो नबी करीम सल्ला वल्ल ने फ़रमाया कि ए अली रज़ी अल्ला लड़ाई से पहले उनको दीन की तरफ बुलाओ के बिका मिन बीका आपने शायद फरमाया कि ए तआला तला आप उन्हें लड़ाई से पहले अल्लाह की तरफ बुलाएँ अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएँ अल्लाह के दीन की खूबियाँ उनके सामने रखें कि अगर अल्लाह रबुल्ज़त आपकी वजह से एक शख्स को भी दीन की नेमत से माला माल कर दें तो ये आपके लिए सुरख कीमती ऊँटों से बेहतर नमत है उस वक़्त सुर्ख ऊँट बहुत बड़ी नहमत समझे जाते थे आज जैसे आज की मुख्तलिफ़ कीमती सवारियाँ हैं बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ एक तरफ वो हूँ और एक तरफ़ किसी शख्स की वजह से अल्लाह रबुजत किसी को ईमान की दौलत नसीब कर दे तो ये उसके लिए वो तमाम वो महंगी गाड़ियाँ और माल दौलत उससे कहीं गुना बढ़ कर यह नहमत है कि अल्लाह रबुज़त इसकी इस कोश कावश की वजह से किसी को दीन की तरफ़ कबूल कर ले और उसे इस्लाम नसीब कर दे तो अब हज़रत सैद्ली मरतजा रजी अल्लाह तु मैदान के अंदर जाते हैं और उधर से मरहब पहले बाहर निकला तो मरहब ने कहा कि कदाली मत खई बर सिलाही शाकस सिलाह बतमुझर्रबो के खैबर को भी मालूम है कि मैं मरहब हूँ दुनिया मुझे मरहब के नाम से जानती है बड़ा असलह पोश और मैदान का शहसवार और बड़ा तजर्बाकार जंगजू हूँ कौन है जो मेरे मुकाबले के अंदर आएगा तो हज़रत आमन रजी अल्लाह तू उसके मुकाले के अंदर गए मगर आप शदीद ज़ख्मी हुए और फिर बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आपने जाम शहादत नौश कर लिया अब हजरत सैदनालीमरत रजी अल्लाह तहु उसके मुकाबले जाते हैं और उसने जो ये कहा था कि आलिमत खैबरु अन्नी मरहबू शाकिस बतुल मुजरबू तो हज़रत अलीज़ा तो रजी अल्लाह तहु उसके मुकाबले ये कहते जाते हैं कि अनदी सतनी उम्मी है दरा अनदी सतनी उम्मी है दरा बातिन कि मैं वो हूँ कि जिसके नाम उसकी वालिदा ने हैदर रखा है और कल तबाबातन करी हिल मंजरा मैं वो हूँ कि जो अपने दुश्मन पर जब झपटता हूँ जब अपने दुश्मन पर हमला करता हूँ तो हैबत नाक जो जंगल का सरदार है उसकी तरह अपने दुश्मन पर हमला आवर होता हूँ यहाँ पर महदस जरकानी ने एक ख़ास तौर पर एक बात नकल की तो उन्होंने कहा कि एक दिन कबल मरहब ने ख़्वाब के अंदर ये देखा था कि कोई एक बब्बर शेर उस पर हमला आवर हो रहा है और वो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान था कि ये क्या कैसा ख्वाब है तो हज़रत अली उलमरसा रजाल्ला तू को शायद एक कश्यप की हालत के अंदर अल्लाह रबुस्त ने कश्यप की सूरत में उससे आगा कर दिया और आपने उसी चीज़ को उसके जहन के अंदर डाला कि वो जो तूने खवाब के अंदर जो मंज़र देखा था ना और तो परेशान था तो वो अल्लाह रबुस्त ने तुम्हारे सामने मुझे ले आया है और अब तुम्हारा अंजाम और आखिरी वक़्त करीब आ पहुंचा है तो आपने ये कहते हुए कि अनलिम्मतनी उम्मी हैदरा कल बातिन करी हिल मंजरा ऊफ़ी हिम बस्साई कई लंदला फरमाया मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा हुआ है और फिर जब मैं किसी पर हमला आवर होता हूँ तो हैबत नाक शेर के तरह उस पर हमला आवर हुआ करता हूँ ये कहते हुए आपने अपने वो तलवार जुल्फ़ार जब उस पर मारी तो एक ही वार से उसका किस्सा तमाम कर दिया इधर मरहब का गिरना था कि उधर यहूदियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और क़िला कमूस फ़तह हो जाता है अब उसके फ़तह के बाद अब वो जो उनके बड़े बड़े सरदार हैं नबी करीम वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और रहम की अपील कर रहे होते हैं और वो ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जो दीगर क़िले थे वो के बाद दीगर फ़तह होते चले गए बड़ी आसानी के साथ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हाजिर होकर कि अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल् मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें यहीं पे रहने दें अगर हम यहाँ पे रहेंगे अगर आप हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त मरहमत फ़रमा देंगे तो हमारी जितनी भी यहाँ पे पैदावार होती है उसका निस्फ हम आपको देते रहेंगे तो नबी करीम अलैहि वसल्लम तो दर हकीकत उस फ़ितना की सरकूबी फरमाना चाहते थे कि जिसकी वजह से वो मुख्त तरीक़ों से यहाँ पर सहाबा कर राम को सता रहे थे तो आप जब अल्ला रब ने फ़ते मुबीन अता फ़रमा दी थी तो आपने उनको वहाँ पर रहने की इजाज़त मरमत फ़रमा दी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तन नबी करीम सल्ला वल्लम की हिदायत पे इनसे यहाँ पर इन्होंने साथ ये कहा कि जितनी हमारी पैदावार होगी उसका आधा हम आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तनु साल के अख्ताराम पर उनके पास जाया करते थे और फिर उनकी उस पैदावार के दो हिस्से किया करते थे एक हिस्सा एक तरफ रख दिया एक हिस्सा दूसरी तरफ और फिर आप उनसे ये फरमाया करते थे कि इसमें से जो हिस्सा तुम चाहते हो तुम्हारी पसंद का है तुम्हारी मंशा का वो तुम रख लो और दूसरा हिस्सा फिर वो लेकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया करते थे ये वो इंसाफ और ये वो रहम का मामला था ये वो शफकत का मामला था कि जो इसे देख कर बहुत सारे यहूद व इस्लाम भी कबूल करते चले गए और नबी करीम सल्ला वसलम के इस दीन की हकानीत उन पर मज़द रोशन और वाज होती चलेगी वहीं पर एक और वाक्य भी पेश आया कि जब ये अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तेह मुबीन अता फरमाई उस मौके पर तो एक यहूदी ख़ातून ने नबी करीम अलैहि वम की ज़ियाफ़त के लिए एक भुनी हुई बकरी का गोश्त पेश किया तो जब नबी करीम सदवत में वो पेश किया गया तो आपने फ़रमाया कि इसकी ये बोटी मुझे ये बता रही है कि इसके अंदर जहर शामिल हुआ है तो अब उस खातून को पूछा गया तो उस खातून ने इस बात को तस्लीम किया कि बिल्कुल मैंने ये किया था मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं अगर ये वाकई अल्लाह के रसूल हुए तो अल्ला रबुस्त इनको इससे आगाह कर देगा या फिर ये फ़क्त बादशाह हैं और मुख्तलिफ ममलकतों को मख्तलिफ़ इलाक़ों को, को फतेह करते चले जा रहे हैं तो अल्लाह रबुस्ज़त ने अपने हबीब करीमली वसम की इस तरह से हिफाज़त फरमाई और वो मुख्तलिफ़ायल जो नबी करीम अलैहि वसल्लम और आपके सहबा कराम रिदवानल तालजमीन के लिए मख्तल तरह के मसाइब और तकालीफ का ज़रिया बन रहे थे अल्लाह रब्ज़्ज़्ज़्ज़्त ने यके बाद दीगरे उनको शखिस्त सतह फरमाई लेकिन ज़ाहिर उसके लिए नबी करीम सब के सहाबा कराम मैदान के अंदर निकले और उसके बावजूद उस मैदान के अंदर निकलने के बावजूद नबी करीम सल्ला वसम ने बतौर ख़ासब कराम को ये हुक्म दिया था कि ख़ातीन को नुकसान नहीं पहुँचाना दरख्तों को नहीं नुकसान पहुंचाना कोई अपनी इबादत गाह के अंदर इबादत कर रहा है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना कोई मासूम बच्चों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना यूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रहनुमाई भी फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए इस मामले के अंदर फ़त नुसरत का भी मामला फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा तय्यबा अमल पैरा होना नसीब फरमाए बाद के जो वाकियात हैं इंशाल्लाह उनको अगले प्रोग्राम्स के अंदर हम बयान करते चले जाएँगे 啊。